पृथ्वी जीवन की कई मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। पृथ्वी का स्वस्थ रहना हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि वो पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और इसे बेहतर बनाने में योगदान दें। वैसे तो हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मनाकर उसके संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन सालों से चली आ रही धरती को नष्ट करने की प्रक्रिया ने इसको मानो खोखला सा बना दिया है। पृथ्वी बहुत व्यापक शब्द है जिसमें जल, हरियाली, वन, प्रदूषण जैसी चीजें शामिल हैं। इसलिए इन सभी चीजों को बचाने के लिए जरूरी है कि इनकी रक्षा करने की पहल करनी चाहिए। लेकिन धरती को बचाने के लिए ना तो कभी सामाजिक जागरूकता दिखाई जाती है और ना ही राजनीतिक स्तर पर कोई भी ठोस पहल की गई है। कुछ पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर कोशिश तो जरूर करते आ रहे हैं, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति, संस्था या समाज की चिंता तक सीमित विषय नहीं होना चाहिए। सभी को पृथ्वी को बचाने के लिए छोटा सा ही सही, लेकिन अपना योगदान जरूर देना चाहिए। इस जलवायु में यानी मंदाकिनी नदी के किनारे आप आ जाइए, रहिए महीने भर, आपकी टीवी चली जाएगी। यहाँ के पानी पीने से इतना बड़ा यहाँ इसमें ताकत थी आदमी की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की। ये सारी के सारी प्रतिरोधक क्षमता को हमने पृथ्वी को मारते मारते मार दिया है। आज पृथ्वी की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है, जिसका परिणाम ये है कि आदमी जो है आज छोटे छोटे रोग के लिए वो अस्पताल जा रहा है, और वो अस्पताल में जब जाता है तो वहाँ एंटीबायोटिक ही देते हैं। तो हम सारे लोग मिल करके कैसी पृथ्वी को बचाना है। हमने चित्रकूट में जो कंक्रीट के जंगल पैदा कर दिए, हमने चित्रकूट में जो यहाँ का अस्तित्व यहाँ का समाप्त कर दिया, पहाड़ों को जिस तरह से हमने मारा है, ये हमें इसको रोकने के लिए आगे पड़ेगा। नदी का कटान बढ़ रहा है, नदी के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है वो खत्म हो रहा है, वन आच्छादित क्षेत्र खत्म हो रहा है, हमारे जो जलचर हैं वो खत्म हो रहे हैं। उधर आप खनन भी कर रहे हैं, खनन इस तरीके कर रहे हैं कि हैवी पोकलैंड और लिफ्टर लगा करके खनन कर रहे हैं। नदी को तो आपने बना दिया है अपनी निजी बपौती, जबकि वो समाज की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। किसी भी नदी में अगर रेत खत्म हो गई, उस नदी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। लगातार की जा रही जंगल की कटाई से बचना चाहिए, क्योंकि इससे धरती का संतुलन बिगड़ रहा है और साथ ही प्रकृति को भी नुकसान पहुंच रहा है। लगातार बढ़ रहे पृथ्वी के तापमान को रोकने के लिए अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। धरती को अनेक प्रकार के प्रदूषण से बचाने के लिए पॉलिथीन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जितना हो सके उतना पानी को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां अभी से लोग पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए आज से ही पानी नहीं बचाएंगे तो कल इसी धरती पर पूरी तरह से सूखा पड़ जाएगा। इस समय विश्व वैसे ही कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है और लोग घर के अंदर ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं। यह समय पृथ्वी को बचाने के लिए एक सही मौका है। जितना हो सके धरती के संरक्षण के बारे में इंटरनेट पर से जानकारी लीजिए और धरती को खुशहाल बनाने में मदद कीजिए, क्योंकि धरती को स्वर्ग बनाने की है हमारी जिम्मेदारी। हम देंगे इसमें अपनी पूरी भागीदारी। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरियां, आपकी खबर, आपकी भाषा।